हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज आपके सीक्रेट फाउंडेशन बेस शेयर कर रही हूँ, जो बिल्कुल पार्टी में आपकी चार चांद लगा देगा जब आप इसको लगा कर जाओगे। आप देख सकते हो कि आज मैं आपको ऐसा फाउंडेशन बेस सिखाने वाली हूँ कि आपसे हर कोई पूछेगा कि क्या आपने पार्लर में मेकअप कराया है या आपने मेकअप कहाँ से कराया है, जो इतना ज़्यादा ग्लोइंग और बहुत ज़्यादा जो है चमक रहा है, इतना ज़्यादा लाइट की तरह जो है ना, ट्यूब की तरह आपका फेस चमकेगा इस फाउंडेशन को लगाने के बाद। तो आज मैं आपको यही फाउंडेशन बनाना बताऊंगी। लास्ट तक वीडियो को देखिएगा और रिजल्ट आप इसके देखकर चौंक जाएंगे, इतने ज़्यादा अच्छे हैं। आपकी स्किन शीशे की तरह चमकेगी और आपको जो है तो एकदम स्मूथ फेस मिलेगा, लाइक एकदम ग्लोइंग स्किन। तो सबसे पहले जो है जो हमें इसमें नीड होगी, मैं आपको बता देती हूँ, मैंने अपने सारे प्रोडक्ट रख लिए हैं, 4 से 5 इसके अंदर जो है तो हमें चीज़ों की ज़रूरत होगी और ये हमारा बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग फाउंडेशन बनकर रेडी हो जाएगा। अब सबसे पहले जो है तो हमें चाहिए होगी एक छोटा सा स्मॉल कंटेनर जिसमें हमें इसको बनाना है, और इसके बाद जो है तो धीरे धीरे हमें इसको मिक्सिंग करने के लिए आप कुछ भी ले सकते हैं आपके पास कोई। मैंने तो ब्रश यूज़ कर लिया था पीछे से ब्रश की साइड, बाकी इसके अलावा जो है मैंने अपने, ताकि मुझे ईजी रहे, मैंने अपने सारे प्रोडक्ट साइड में रख लिए हैं और वन बाय वन हम इसको मिक्स करते जाएंगे और मैं आपको बताती जाऊँगी कि इसके अंदर आपको कौन कौन से प्रोडक्ट आपके यूज़ होने वाले हैं इसके अंदर। लेकिन ये जो फाउंडेशन बनकर रेडी होगा ना, आप यकीन माने आप खुद को देखते रह जाएंगे और आपका फेस जस्ट लाइक अ ट्यूब, एकदम ऐसा ग्लो करेगा आपका फेस कि जस्ट लाइक अ वाओ। अब आप देखते जाइए, जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ आपको सेम वही प्रोसेस करना है और इसको ज़रूर ट्राई करना है एक बार, और मेरे साथ इसका फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा कि क्या आपको कॉम्प्लीमेंट मिले थे इसके लिए। तो सबसे पहले जो है तो फाउंडेशन बना रहे हैं। फाउंडेशन हमारे मेकअप की बेस होती है, याद रखिएगा, अगर वो अच्छा नहीं बनाना तो सब कुछ बेकार हो जाता है। फिर आप चाहे कितना ही अच्छा आई लुक कर लें या फिर आप कितने ही प्यारे कलर की लिपस्टिक लगा लें, उससे कोई बेनिफिट नहीं होता अगर फाउंडेशन का बेस केक ही हो जाता है या बेकार हो जाता है। तो सबसे मेन जो है तो इसे फाउंडेशन ही इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारे चेहरे की सबसे इम्पोर्टेंट थिंग होती है फाउंडेशन, जो एक बेस बनाता है, जो हमारी स्किन को ग्लोई बनाता है, ड्यूई बनाता है, ये सबसे ज़्यादा मेन होता है। तो इस पे ही हम ध्यान नहीं देते हैं। तो मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का हाई कवरेज फाउंडेशन क्योंकि ये ड्राई स्किन वालों के लिए बेस्ट है और विंटर सीजन चल रहा है और मेरी बहुत ही ज़्यादा ड्राई स्किन है, तो इसलिए मैं यहाँ पर इसको यूज़ कर रही हूँ। अगर आपकी ऑयली स्किन है या आप कॉम्बिनेशन स्किन वाले हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी फाउंडेशन ले सकते हैं। मैं सिर्फ आपको तरीका बता रही हूँ कि आपको क्या क्या मिक्स करना है और कैसे कैसे मिक्स करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अपने फेस के अकॉर्डिंग एक फाउंडेशन ले लिया है, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा सूट करता है इसलिए मैंने ये वाला लिया है। तो हम फाउंडेशन की क्वांटिटी थोड़ी सही रखेंगे क्योंकि ज़्यादा मेन तो हमें फाउंडेशन ही बनाना है। और ये जो है, जो मैं फाउंडेशन आपको बता रही हूँ, ये विंटर सीजन के लिए बेस्ट है, इतना ज़्यादा ग्लोइंग ड्यूई इफेक्ट देगा आपको कि आप हैरान रह जाओगे। तो हमने अपना फाउंडेशन ले लिया है जो सबसे ज़्यादा मेन है इसके अंदर। अब जो है विंटर सीजन चल रहा है, प्रोडक्ट जो है तो हम मॉइस्चराइजर को ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी ले सकते हैं, मैंने कैटाफिल का लिया है, बहुत ज़्यादा अच्छा है और ख़ास ड्राई स्किन वालों के लिए है, तो मैंने ये वाला यूज़ कर रही हूँ। थोड़ी सी क्वांटिटी लेंगे हम इसकी, ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि अगर हमने ज़्यादा ले ली तो एक तरीके से टेक्सचर चेंज हो जाएगा फाउंडेशन का, जो हमें नहीं करना है। तो हम थोड़ा सा यहाँ पर, आप जो है तो इसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप कम मिला सकते हैं, लेकिन मेरी बहुत ज़्यादा ड्राई है तो मैंने अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा सही लिया है इसको। तो थोड़ी सी क्वांटिटी हमें अपने इस मॉइस्चराइज़र की मिलानी है, तो इसको एक साइड कर देते हैं। आप कोई भी मॉइस्चराइज़र ले सकते हैं, आप मॉइस्चराइज़र की जगह जो है तो कोई सीरम भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने मॉइस्चराइज़र को प्रेफरेंस दी है ज़्यादा। नेक्स्ट जो है तो हमें एक प्राइमर यूज़ करना है ताकि जो हमारा बेस है वो लॉन्ग चले और अच्छा स्टे करे और एक अच्छी फिनिशिंग आए उसके लिए, क्योंकि यही फाउंडेशन इनफ हो जाएगा आपके लिए। इसको लगाने के बाद ना आपको प्राइमर की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको हाइलाइटर की ज़रूरत पड़ेगी, ये आपके लिए एक फाउंडेशन ही इनफ है और 5-in-1 का काम करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आप चाहो तो अलग से भी कोई प्राइमर यूज़ कर सकते हो, मेनली हमें प्राइमर मिक्स करना है इसके अंदर, तो आप चाहो तो कोई और प्राइमर भी यूज़ कर सकते हो। आपको प्राइमर ज़रूर ऐड करना है क्योंकि उससे बहुत अच्छी बेस मिलेगी और आपका जो मेकअप है वो काफ़ी स्टे करेगा लॉन्ग। मैं थोड़ा सा इसको भी मिला रही हूँ ताकि एक्स्ट्रा शाइन ऐड हो जाए इसमें, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा शाइनिंग होता है और ये भी 3-in-1 मेकअप, आप इसको समझ सकते हैं स्विस ब्यूटी का जो है ये
इल्यूमिनेटिंग प्राइमर हाइलाइटर मिक्सर है इसके अंदर, तो मैंने थोड़ा सा ये ले लिया है, जरा सा था, वरना प्राइमर से भी इनफ हो जाएगा। प्राइमर अगर आपने डाल दिया है तो उसके बाद आपको नीड नहीं है कि आप डालो, ये सिर्फ मैंने अपने लिए डाल लिया क्योंकि मुझे कुछ ज़्यादा ही हाइलाइटिंग और शाइनिंग ड्यूइंग फाउंडेशन पसंद आते हैं, तो इसलिए मैंने इसको डाल लिया था। अब आप देख सकते हो मैंने ये चीज़ ले ली। अब सबसे मेन जो है ये आपके विटामिन ई का कैप्सूल मिलाएंगे हम इसके अंदर, ये इसको जो है तो स्टे करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। इससे आपका जो फाउंडेशन है वो लॉन्ग स्टे करेगा, आप पूरे पार्टी से वापस आ जाओगे लेकिन ये कहीं नहीं हटने देगा आपके फाउंडेशन को। तो इसको लॉन्ग और जो है काफ़ी स्टेबल बनाने के लिए मैं इसमें एक विटामिन ई का कैप्सूल यूज़ कर रही हूँ, इनफ रहेगा एक ही। इसके अलावा जो है, जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्रोडक्ट जो हमें इसके अंदर ऐड करना है, वो है कोई भी हाइलाइटर जो आपके पास हो। हाइलाइटर को बिल्कुल मत भूलिएगा, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको इसको ऐड करना ही करना है। मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ रेवोल्यूशन का, आप चाहें तो कोई और भी ऐड कर सकते हैं जो आपके पास हो। आप चाहें तो एक बारीक स्पार्कल आती है बहुत ज़्यादा, वो मोटी वाली नहीं जो आइस पर लगाई जाती है, एक बहुत ज़्यादा शिमरी सी आती है, बहुत ज़्यादा एकदम बारीक होती है वो, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगी कि आप सबसे इम्पोर्टेंट इन हाइलाइटर्स को यूज़ कीजिए, इनका ग्लो बस बहुत ज़्यादा अमेजिंग होता है, बहुत ज़्यादा। ये आप ऊपर से भी लगाते हैं तो भी बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट देते हैं ये। तो यहाँ पर हमें हाइलाइटर यूज़ करना है, ये मेरा न्यू हाइलाइटर है रेवोल्यूशन का, तो मैं इसको इसकी जगह जो है तो मैं अपना जो मेरा ऑलरेडी थोड़ा सा ब्रोकन है मैं उसमें से ले रही हूँ, क्योंकि हमें थोड़ा सा इसमें से स्क्रैच करना पड़ेगा, तो मैं अपने टूटे वाले हाइलाइटर से ही इसमें डालूंगी जो ये वाला है। आप देख सकते हो, आप कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो, सिर्फ आपका हाइलाइटर होना चाहिए, दैट्स ऑल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो आप देख सकते हो लिटिल ब्रोकन है या काफ़ी ज़्यादा ब्रोकन है, तो हम यहाँ से इसमें से थोड़ा सा पार्टिकल लेकर यूज़ करेंगे इसके, थोड़ा सा पीस इसको, और आप चाहे जितनी क्वांटिटी में डाल सकते हैं इसको, जितना ज़्यादा आप हाइलाइटिंग बनाना चाहें अपने फाउंडेशन को आप इसमें ऐड कर सकते हैं उतना ही हाइलाइटर, लेकिन हद से ज़्यादा भी मत कीजिएगा, इतना कि उसमें वो चल जाए। अब इन सबको करना है हमें मिक्स, ताकि और बिल्कुल भी इसमें कोई लम्स वगैरह नहीं रहने चाहिए, या बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि पार्टिकल्स बच गए, बहुत अच्छे से जो है तो आपको इसको मिक्स करना है, चाहे आपको उसके लिए 5 मिनट ही क्यों ना लगे, आपको इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है, इतना सभी इसके अंदर कोई भी पार्टिकल इधर से इधर नहीं होना चाहिए, अच्छे से इसको मिक्स कीजिए, फिर मैं आपको इसका अमेजिंग रिजल्ट दिखाती हूँ जो ये बनकर रेडी होता है। बस आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाकर देखिए और इसका रिजल्ट आप देखिएगा, वाओ है वाओ, बहुत ज़्यादा अच्छा। मैंने अपने घर में जिसको भी ये टेस्ट कराया है, मेरी कज़िन्स को, सबको ये इतना ज़्यादा पसंद आया है कि उन्होंने मुझसे पूछा था कि ये कैसे बनाया है, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा अमेजिंग ट्रिक है, आप इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा और बताइएगा कि आपने इसको कैसे बनाया और कैसा ये आपको लगा, तो इसे ज़रूर मेरे साथ फीडबैक इसकी शेयर कीजिएगा। तो आप देख सकते हो मैंने इसको अच्छे से, अब मैं आपको इसको लगा कर दिखाती हूँ कि इसका रिज़ल्ट क्या आ रहा है, हम इसको चेक करते हैं कि इसका रिजल्ट कैसा निकल कर आ रहा है। यहाँ मैं अपने हैंड्स पर लगाकर आपको दिखा रही हूँ कि क्वांटिटी ले लेनी है आपको, जस्ट लुक एट द शाइन, मेरे हैंड पर आप शाइन चेक कर सकते हो, कितना ज़्यादा शाइनिंग और ग्लोइंग लग रहा है, इतना ज़्यादा जो है तो ये कैमरे पे भी फील नहीं हो रहा जितना ये सामने से लग रहा था जब मैंने इसको फेस पर लगाया था। अगर आप नेचुरल मेकअप को पसंद करते हैं तो ये आपको डेफिनेटली पसंद आएगा और आप इससे बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाएंगे। और इसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा एकदम फुल कवरेज वाला लुक चाहिए तो आप फाउंडेशन फुल कवरेज वाली यूज़ करेंगे। स्विस ब्यूटी का जो ये फाउंडेशन है इसकी मीडियम ही कवरेज है, इसलिए आपको ये ऐसा लग रहा है। जब आप कोई डार्क कवरेज का यानी कि ज़्यादा कवरेज वाला यूज़ करेंगे तो उसकी कवरेज आपको बिल्कुल एकदम, आप चाहें तो दुल्हन वगैरह पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये था मेरा पार्लर सीक्रेट लाइक फाउंडेशन ग्लो बेस जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, बहुत ज़्यादा ग्लोइंग और डूइंग फेस बेस है ये, जो आपको ज़रूर पसंद आएगा। ये मेरा मोस्ट फेवरेट बेस है जो मैं बनाती हूँ अपने लिए और यूज़ करती हूँ फंक्शंस में, और बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट मुझे मिलते हैं, तो आप भी इसको बनाइए, यूज़ कीजिए और अपने लिए कॉम्प्लीमेंट बुलवाइए लोगों से, कॉम्प्लीमेंट बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगे डेफिनेटली। आप इसको इसे लगाने के बाद आपको किसी हाइलाइटर की या फिर किसी और चीज़ की ऐसी खास ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अंदर प्राइमर हो गया है, आपका मॉइस्चराइज़र हो गया है, आपका जो CTM का प्रोसेस है इसमें काफ़ी हद तक पूरा हो जाएगा, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये बेस्ट है।
और इसको कैरी करना भी, आप चाहें तो थोड़ी क्वांटिटी में बना सकते हैं, आप चाहें तो ज़्यादा क्वांटिटी में भी इसको बनाकर रख सकते हैं, जो आगे भी आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा है ये और कोई इसके ख़राब होने का चांस नहीं है। आराम से यूज़ कीजिए, जितने टाइम बाद भी आपको इसे यूज़ करना है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दें अगर आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।